10 लगा के सोने वाले हैं। हर हर महादेव। मैं कर रहा हूँ यूपी वाइज से संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा। तो अभी जो हम केदारनाथ की सबसे पहले यात्रा कर रहे हैं, तो अभी हम लोग रास्ते में थे तो काशीपुर में अपने चाचा के घर पर रुका था, और आज हमारी यात्रा को दूसरा दिन है। तो यहाँ पे चाचा जी हैं, तो चाचा जी से मिलाते हैं आपको। हेलो। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे देखने में, और आपकी सफल यात्रा रहे। तो चाचा हैं ये, तो चाचा के घर पे हम लोग रुके थे, और यहाँ पे हमारी साइकिल है, और यहाँ पे अभी डबरू को रख दिया इसके अंदर, देख सकते हैं पैक है। तो अभी डबरू ना उड़ गया था, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर पैक कर दिया, और अभी साइकिल पूरी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, चलते हैं और आपको सारा कुछ देंगे। काफ़ी तो मज़ा आएगा आज के ब्लॉग में, तो बस ब्लॉग को एंड तक देखना, काफ़ी तो मज़ा आने वाला है। और आज हो सकता है हम हरिद्वार पहुँच सकते हैं, तो बस एंड तक देखते रहना, सारा कुछ दिखाएंगे। और साइकिल पूरी रेडी है, निकलते हैं यहाँ से, आपको सारा कुछ दिखाते हैं। तो अभी मैं यहाँ काशीपुर से निकल रहा था, तो यहाँ पे स्कूल के सामने कुछ बच्चे लोग मिले, देख सकते हैं हाफ टाइम है, तो लोग बाहर थे, तो इन लोगों ने मेरे को रोका, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे सभी लोग देख सकते हैं, एक बार सभी जोर से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। डब्लू को देख सकते हैं आप लोग, कंधे पे बैठा हुआ है। तो अभी ना इसको मैं खिलाऊंगा खाना, क्योंकि इसको भूख लग चुकी है। और यहाँ पे खाने में देख सकते हैं चने चावल और गेहूँ लेकर के आया हूँ मैं। तो आप लोगों को कुछ और पता है तो आप बताना, और यहाँ पे भी डब्लू को खाना खिलाते हैं। तो ये डब्लू को खाना ना खुद खिलाना पड़ता है, खुद नहीं खा पाता है, तो इसको मैं खिला के देता हूँ हाथों से। तो इसको ऐसे करके पकड़ के, और चना या चावल कुछ भी हो तो इसको ऐसे मुंह खोल के ऐसे खिलाते हैं, तो ये खा जाता है ऐसे। अभी हम लोग जसपुर हाईवे पे थे, तो यहाँ पे ना हम एक बैठक में रुके थे, तो यहाँ पे ना डबरू को भूख लग रही थी, तो डबरू को मैंने कुछ दाना खिलाया, आपने जैसे कि वीडियो में देखा होगा। और डबरू ना अब धीरे धीरे अपनी साइकिल को पहचानने लगा है, तो जैसे ही ये डबरू अच्छे से पहचान जाएगा ना, उसके बाद मेरे को इसको पैक करके रखना नहीं पड़ेगा, फिर खुला छोड़ दूंगा और मेरे साथ रहेगा एनी टाइम। तो अभी धीरे धीरे पहचानेगा, क्योंकि मैं अपने साथ पहले से इसको रखा नहीं था, अभी जब यात्रा स्टार्ट की तभी से मेरे साथ है। तो अभी डबरू देख सकते हैं पैक हो चुका है पूरा अंदर, तो ये ना अपने आप खुद ही इसके अंदर घुस गया, मैंने ऐसे खोल कर रखा था और ये उड़ के आया सीधा इसके अंदर बैठ गया आके। तो देख सकते हैं कितना समझदार है, अभी जो है इससे धीरे धीरे सीख रहा है, तो अभी ये अपने घर को पहचान पाया, अभी धीरे धीरे मेरे को पहचानेगा, फिर जाके काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। तो आप लोग ब्लॉग में बस एंड तक बने रहना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जब जैसे जैसे डबरू अपने हरकतें मतलब कुछ भी करेगा एक्टिविटी, वो आपको देखने को मिलेगी। तो बस इसी प्रकार हम अपनी यात्रा को करेंगे कंटिन्यू, और आपको दिखाएंगे सारा कुछ, बस एंड तक देखना, और हर हर महादेव जरूर लिखना। सुबह हम लोग काशीपुर से निकले थे, तो हमने यहाँ पे जसपुर क्रॉस कर दिया, उसके बाद जसपुर हाईवे पे हम लोग खा रहे थे मैगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैगी बनाई है, और मैगी खा रहे, तो ये दो छोटे छोटे भाई थे, इनसे मैंने मैगी मंगाई थी, इधर ये भाई है, तो मैगी अभी इनसे मंगाई, दुकान नहीं थी यहाँ पे आसपास, तो वो उन्होंने ला के थी, स्कूल से आ रहे थे, तो यहाँ पे मैगी बनाई और अब खा रहे। तो भूख लग रही थी आज दोपहर को, बस मैगी खा रहे, और बाकी देखते हैं आज रात को कहाँ स्टे होता है, सारा कुछ देखेंगे, बस एंड तक देखना। डबरू यहाँ पे ना अंदर बैठा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं दिख रहा होगा यहाँ पे डबरू बैठा हुआ है, और इधर मैं, तो हम दोनों चल रहे हैं एक साथ, और बहुत तेज धूप लग रही है, तो ऐसी गर्मी में हम लोग साइकिल से घूम रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं डबरू अंदर है इसके, तो आप लोग डबरू के लिए कुछ ना कुछ जरूर देखना चाहेंगे। डबरू को अभी मैंने खुला छोड़ दिया है, तो अभी देखते हैं इसको मैं साइकिल चलाऊंगा और इसको ऐसे रखूंगा, देखते हैं कैसा क्या रहता है, दिखाते हैं आपको, बस एंड तक देखना। तो देख सकते हैं बैठा हुआ है अभी, और अभी देख सकते हैं अंदर जाएगा, ये मुझे लग रहा है घर के अंदर ही बैठेगा, तो अभी ये देखना खुद ही उतरेगा नीचे। और अभी देख सकते हैं बैठा हुआ है काफ़ी देर से, और ऐसे ही मैं चल रहा हूँ, तो मैं साइकिल धीरे चला रहा हूँ, क्योंकि आज पहली बार मैंने इसको बाहर निकाला है, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। अभी फिर से डबरू बाहर आ गया, खुद ही ऑटोमेटिक बाहर आया, और अभी देख सकते हैं बैठा पड़ा है मेरे तरफ मुँह करके, और देख सकते हैं मोबाइल की तरफ देख रहा है, और अभी बैठा हुआ सोच रहा है मेरे ऊपर आने के लिए, अभी देखते हैं कैसा क्या रहता है, शायद ही मेरे ऊपर आएगा। तो अभी डबरू फाइनली मेरे हाथ पे बैठ चुका है, देख सकते हैं हाथ पे बैठा, और मैं साइकिल चला रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, डबरू चल रहा है मेरे साथ साथ, तो अब मेरे को महसूस हो रहा है कि डबरू अब मेरा अपना हो चुका है। तो अभी देखते हैं कैसा क्या रहता है, आपको दिखाते हैं, बस एंड तक देखना। तो अभी मैंने डर डर के ट्राई किया, डबरू को बाहर निकाला, और मैंने ऐसे पिंजरा उसका खुला छोड़ दिया, फिर ऑटोमेटिक बाहर आया, पहले बाहर बैठा हुआ था, फिर खुद अंदर गया, खुद बाहर आया, और उसके बाद मेरे हाथ पर भी आ गया, अपने आप ही बैठा, और फिर मैंने वीडियो बनाई और आपको दिखाई। तो अभी ऐसे ही डबरू मेरे को पहचान जाएगा, तो मेरे साथ साथ फ्लाई करेगा, और मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ, बस एंड तक देखना, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो देख सकते हैं डबरू को फिर से बाहर निकाल लिया है, तो अभी डबरू ज़्यादातर बाहर ही रह रहा है, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है डबरू के साथ साइकिल यात्रा में, मज़ा आ रहा है मेरे को। डबरू के साथ साइकिल यात्रा करने में मज़ा आ रहा है, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा बिना वीडियो बनाए, क्योंकि डबरू देख सकते हैं अब कंधे पे बैठ चुका है, मेरे हाथ पे बैठा हुआ था अभी, तो मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा था,
तो शॉर्ट वीडियो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे, वहाँ पे फॉलो करना मेरे को, अर्जुन फोटोग्राफर 143 यूजर नेम है। और यहाँ पे डबरू बैठा हुआ है, तो चलते हैं। और बहुत खूबसूरत सनसेट आ रहा है इधर, देख सकते हैं इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा है। और यहाँ पे ना भैया थे, तो भैया ने हमें देखा, भैया इधर जा रहे थे तो वापस घूम के आए हमसे मिलने के लिए, तो भैया हैं। और इधर देख सकते हैं डबरू मेरे साथ है, अभी भी बाहर है। और बहुत अच्छा लगा भैया रुके हमारे लिए, तो ऐसे कोई मिलता है ना रास्ते में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग आगे के लिए चलेंगे, आपको सारे कुछ दिखाएंगे, बस एंड पे देखना। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी मेरे साथ है डबरू भाई अपना, शाम के बज रहे 7। और डबरू देख सकते हैं मेरे कंधे पर बैठा हुआ है काफ़ी टाइम से, तो देख सकते हैं ऐसे चल रहा है मेरे साथ। अभी मैंने अंदर बैठा दिया था तो ना आंखें बंद कर रहा है बार बार, मतलब कुछ करना कुछ कर रहा है, मैं डर रहा हूँ, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। जैसे मैंने इसका गेट खोला ना, टोकरी का गेट खोला, तो वैसे बाहर निकल के आ गया और सीधा कंधे पे आके बैठ गया अपने आप ही। तो आप देख ही सकते हैं समझदार हो गया ये, तो अभी साथ में चल रहा है, बाकी देखते हैं कहाँ तक चलता है साथ में, ऐसे ही लेके चलेंगे। रात के 7:30 बज चुके हैं देख सकते हैं, और डबरू को मैंने सुला दिया, इसके अंदर पूरा पैक कर दिया कि हवा ना लगे, तो अभी डबरू सो रहा है। और इधर मैं जो है रात में राइड कर रहा हूँ देख सकते हैं। तो आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और आज भी जो है रात हो चुकी है, तो काफ़ी का डर लग रहा है रात में चलाने से, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज रात को। तो अभी ना स्टे करने की जगह नहीं मिल रही है, आपको हमें स्टे करने की जगह मिल रही है। और यहाँ से हम खाना एक ढाबे से खा रहे देख सकते हैं, हम यहाँ पर टेंट लगा के सोने वाले हैं, तो वहाँ पे हमारी साइकिल खड़ी है देख सकते हैं, और ये टेंट है, तो डबरू भी इसके अंदर है वो देख सकते हैं। तो डबरू वहाँ पे मेरे साथ सोएगा साइड में मेरे, वो देख सकते डबरू है कुछ खा रहा है, मैंने खाने के लिए दाना डाला उसके अंदर, और उसके दाने के डब्बे वो पड़े दाना, उसमें इसमें चने हैं, उसमें चावल हैं, फिर उसमें गेहूँ है, और फ़ोन चार्जिंग पर लगाया, तो लाइट का कनेक्शन यहाँ है इसके अंदर से लिया है हमने। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये टेंट लगाया, तो इस टेंट में हम सोने वाले हैं, और इधर साइकिल, तो डबरू भी मेरे साथ सोएगा। तो आप लोग अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना,